चलो अब चलते हैं थर्ड नोट पे, ठीक है। थर्ड नोट क्या बता रहा है मैं, थर्ड नोट क्या बता रहा है, ये तो कलर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या नाटक है यार ये। चलो थर्ड नोट, ठीक है। थर्ड नोट क्या बोलता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं, नहीं होता, करना नहीं चाहिए। कब हो सकता है वो बताऊंगा, यूजुअली नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है x अपॉन से, यहां पे लिखा हुआ है x प्लस टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई x। सपोज हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, अगर वो बोलता है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो तुम ये कैसे सॉल्व करोगे, मेन बात ये है। तो इसको सॉल्व करने का फंडा क्या है कि यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन भी हो सकता है वो, क्योंकि हाँ ऐसे ग्रेटर देन नहीं, तो नहीं है कि वो इक्वल है, एक्स एक्स नहीं, ऐसा नहीं है, जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है, कर देते ना फिर। उससे क्या फर्क पड़ता है अगर ग्रेटर देन होता तो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन अलग कुछ बनेगा, एक आंसर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू बनेगा, हाँ बनेगा तो सही, हाँ नहीं वो सही, वही तो सही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वो सही क्यों नहीं है, वो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम कर रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड, साइन की ही वजह से, किसके साइन की वजह से, एक्स प्लस टू के साइन की वजह से, या एक्स का साइन भी ले सकते हो, एक्स प्लस टू सारे सब पॉजिटिव नहीं है, क्यों नहीं, एक्स पॉजिटिव कब होता है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन जब ये लेस देन जीरो होगा तो क्या ये पॉजिटिव होगा, तो ये एक्सप्रेशन जो यहाँ डिनोमिनेटर में है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अब अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी तो चेंज हो जानी चाहिए, तो हमें तो ये पता ही नहीं ना कि ये कभी पॉजिटिव है, और एक्स प्लस टू कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, नहीं पता। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो हम ये करते हैं कि x अपॉन x प्लस टू को तो हम एज इट इज रहने देंगे, ये वाला टर्म तो हम एज इट इज रहने देंगे, और क्या करेंगे हम माइनस वन बाई एक्स कर देंगे, मतलब वन बाई एक्स को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया बट सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वैलिड होता है ना इनइक्वालिटी में, तो ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद एलसीएम, एलसीएम ले लो, तो ये आएगा x इनटू x प्लस टू, और यहाँ पे क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो न्यूमरेटर को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फैक्टराइज है तो हम उसको तो टच भी नहीं करेंगे, उसको तो हम एक्स इंटू एक्स प्लस टू ही लिखा रहने देंगे, और लेस देन इक्वल टू जीरो को हम एज इट इज पढ़ा रहने देते हैं, उसको भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ग्रुप करके फिर अब न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे ग्रुपिंग करके, तो जो ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे इसका वेवी कर्व, चारों तुम्हें मिल गया ना पॉइंट, चार क्रिटिकल पॉइंट्स आए, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो चार नहीं आते। अब क्या करोगे इसका वेवी कर्व बनाओगे, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है क्रिटिकल पॉइंट में, टू टू देन जीरो, वो माइनस वन है जो तू हर बार मिस्टेक करता है वो फिर कर रहा है, और ये माइनस टू,
अब राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला इसमें भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। हाँ पहले तो हम पॉजिटिव नेगेटिव बना देते हैं, अब हमें क्रॉस भी करना है ना, हम किसको किसको क्रॉस करने वाले थे, जीरो को और टू को, जीरो को और माइनस टू को, माइनस टू को, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। एक तो जीरो पे क्रॉस लगा दिया मैंने ये कि इसको नहीं लेना है, और एक माइनस टू पे क्रॉस लगा दिया कि हमें इसको भी नहीं लेना है। अब हमें किसका चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन चाहिए ना, तो हम ये बोलेंगे लेस देन, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन, माइनस वन तो इंक्लूड किया जा सकता है लेकिन ये नहीं करेंगे, यूनियन फिर क्या लेना है, जीरो टू 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 इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, आ गया ना। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जनरली अच्छा हमेशा हाँ, नहीं होता ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not allowed, not valid भी बोल सकते हो, not allowed भी बोल सकते हो, valid for inequality in inequalities two expressions, ठीक है। तो हम generally तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कब कर सकते हैं, इस generally तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ केस ऐसे होंगे जब हम कर भी सकते होंगे, ठीक है। तो हम कब कर सकते हैं, नहीं पहले पहले सुन ले मेरी बात, बाद में नोट डाउन करना, मैं टाइम दूंगा तुझे नोट डाउन करने का। कब कर सकते हैं, जब अगर एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता तब तो कर देते ना, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऐसा कुछ देंगे, मतलब कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन होता जो ऑलवेज पॉजिटिव होता, तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन एक्सप्रेशन इज नोन टू बी पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव then it can be cross multiplied. Example sir, यही question वो बताता हूँ, then it can be cross multiplied. लेकिन तुम्हें ये पता है कि कौन से expression ऐसे होते हैं जो always positive होते हैं, कोई example पता है इसका, zero से greater जैसे x square plus one, देखो x square कैसा है, स्क्वायर है ये, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और प्लस वन कर दिया तब तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया या एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था याद करो, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, जब हम ग्राफ बना रहे थे, जब हमने ऐसे ग्राफ बनाए थे कि जिनका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो वो जो फंडा था वो यहाँ पे यूज होता है बहुत, तो कई सारे ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी होते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो उनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आई थिंक अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किनको किया जा सकता है या किनको नहीं किया जा सकता, जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं उसके बाद तुम फाइनली नोट करना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा पूरा है, एक एग्जाम्पल है ये एक्स स्क्वायर प्लस फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू टू, हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेस देन इक्वल टू टू। तो अब इसको हम कैसे करें सर, x square plus 1 always positive है हमको पता है, और 2 तो always positive है पता ही है, 2 तो हम वैसे भी नहीं कहीं ले जा रहे, हम तो x square plus 1 को ही लेके जाएंगे क्योंकि ये always positive है ना, हम denominator में कोई चीज नहीं रखना चाहते, वो problem करती है। तो हमने क्या किया कि x square plus 6x plus 7 को तो हमने as it is रहने दिया, इसको मैंने touch भी नहीं किया, और x square plus 1 को cross multiply कर दिया तो ये क्या जाएगा 2x square प्लस टू आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, यहाँ के सारे टर्म्स इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये तुम्हें कैसा दिखाई पड़ेगा, ये दिखेगा तुम्हें एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एक्स स्क्वायर वहां जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
6x, वहां जाकर के माइनस 6x बन जाएगा, और 2 माइनस 7 क्या जाएगा, माइनस 5, तो 2 माइनस 7 इज माइनस 5, और कैसा दिख रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। अब क्या करोगे इसको फैक्टराइज, जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से जब x कॉमन निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x माइनस 5, और प्लस 1 रखो यहाँ पे, तो x माइनस 5, x प्लस 1 और x माइनस 5, हाँ, तो तुम्हें क्या मिल गया यहाँ पे, x प्लस 1 एंड x माइनस 5। क्रिटिकल पॉइंट्स है 5 और माइनस 1। तो जब तुम वेवी कर्व बनाने जाओगे तो तुम यहाँ दिखाओगे 5 और माइनस 1। तो अब क्या करना है, राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, और हमें किसका चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 5 टू इनफिनिटी। समझ में आई बात, आंसर क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 5 टू इनफिनिटी, हाँ इंक्लूडेड है।